सवाल ये है कि 10 या 11 साल के बच्चे ने रोज़ा तोड़ दिया, कज़ा वगैरह उसकी करनी चाहिए या नहीं। तो असल में सवाल अधूरा है, 10 या 11 साल के बच्चे से क्या मुराद है, लड़का है या लड़की है। तो जब सवाल लिखा करें इस तरह तो पूरी उसकी वजाहत किया करें कि मसला किसके बारे में। अगर लड़की है और 11 साल में वो बालिग हो गई यानी हैज़ उसको आने लगा, तो फिर उस सूरत में उसको अगर रोज़ा तोड़ा है तो कज़ा करनी पड़ेगी, बाकी कफ़ारा है या नहीं तो वो तोड़ा किस किस्म से है, रोज़ा गया किस तरह से, वो सूरत देखनी पड़ेगी। और अगर लड़का है तो 10 या 11 साल में अगर रोज़ा तोड़ा है तो उस पर कज़ाए कफ़ारा नहीं होगा, क्योंकि 11 में गालिबन लड़का बालिग नहीं होता 10 या 11 साल में। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें कादरी होस्टिंग.com से।